में राजनीतिक केंद्र बिंदु भी बनता रहा है। अध्यक्ष महोदय, राज गठित हुए 20 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, और 1932 की जो इनकी मांग है इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था। देखो राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है, और अध्यक्ष महोदय जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि सरकार शीघ्र ही इस पर विचार करेगी। इससे पहले भी महोदय इसी सदन में भी चर्चा हो रही थी और इसमें सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया था, तो दोनों के जवाब में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का था कि सरकार 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करेगी और उसके लिए कुछ समय चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम शीघ्र इस पर विचार करेंगे। तो ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट होना चाहेंगे कि सरकार इस पर कब तक विचार करे। और इसमें सबसे जो मेरा सुझाव था कि जो श्रम विभाग की 1982 की जो चिट्ठी थी पत्रांग 806, वो बिहार सरकार की ही चिट्ठी थी, और वो बिहार सरकार की चिट्ठी झारखंड में भी लागू हुई थी, और उस चिट्ठी में बहुत ही स्पष्ट किया गया। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, एक चीज का जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जो प्रश्न रखेंगे उसमें अधिकतम पूरक एक ही होगा, इसलिए आप एक ही पूरक करें। एक ही पूरक करें। और ये माने ये खाली जानना है कि झारखंड सरकार वो चूंकि संसदीय कार्य मंत्री का भी अभी एक जवाब आया था, और अभी आप उस पर ना जाएं, आप एक पूरक करिए। 1932 के खतियान अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार कब तक ये स्थानीय नीति लागू करना चाहेगी, यही पूरक सवाल थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राज्य के पदाधिकारी भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और कैसे कार्य होते हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये जो पत्र का जो मुख्तियार सिंह जी का शायद ही जिक्र करना चाह रहे हैं, शायद ऐसे ही है। अध्यक्ष महोदय, राज अलग होने के बाद स्थानीय नीति को लेकर कई सीढ़ियां चढ़ी गई, उतरी गई, और इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार उन आदेशों को मद्देनजर रखते हुए उसका अध्ययन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, समिति बनानी होगी, नए नियम बनाने होंगे, बहुत जल्द निर्णय लेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी। बस 2011 में जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भी गरीबी की परिभाषा बदल गई। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में गरीबों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई और आज 59 लाख के करीब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में आकलन होता है, जिस कारण से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता चला जा रहा है। परंतु आदिनांक ऐसे लोग हैं जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं, जिस कारण राज्य अंतर्गत उचित लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार का इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को सरकार की योजना में किस प्रकार के लाभान्वित किया जा सके, जिसके लिए राज्य में यहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए विशेष नीति के तहत सर्वेक्षण कराने की कार्य की जानी चाहिए। अतः सरकार से मांग है कि राज्य सरकार वैसे लोग जो आदिनांक वर्ष 2011 की जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण
के दायरे में नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों का राज्य हित में एक नीति निर्धारण कर सर्वेक्षण कराया जाए जिससे उचित लोगों को सरकार द्वारा योजना का लाभ दे सके। महोदय केवल हमारा एक सब एक वाक्य और है महोदय, अगर पूरा का इसी से इसी है आनंद जी, इसी का बात को केवल पूछता है, पूरा का अगर पूछना है महोदय, 65 लाख महोदय ऐसे सर्वे में घर आए हैं और 59 लाख लोगों को 57 लाख लोगों को राज्य सरकार मानती है कि गरीबी रेखा से, केंद्र सरकार का 27 लाख और राज्य सरकार ने 30 लाख जोड़ा है, 57 लाख हम मानते हैं महोदय, और ये आंकड़ा भ्रामक है। नीतियों का निर्धारण करते समय इस समूह को आंकड़े को ध्यान में रख करके नीतियां बनती है। महोदय हमारा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार पुनः सर्वे करा करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का मानक क्या है, और मानक जो है वह जो सैंपल सर्वे के आधार पर मानक तय होता है उसके आधार पर संख्या तय होती है, क्या राज्य सरकार पुनः सर्वे कराने का काम करेगी? माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अपने सवाल पूछे। अध्यक्ष महोदय अभी माननीय विधायक को कहना चाहूंगा, फिलहाल सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है अध्यक्ष महोदय इस विषय को लेकर, और चूंकि अध्यक्ष महोदय जब तक सर्वे नहीं होता आर्थिक सामाजिक, तब तक अध्यक्ष महोदय किसको कैसे हम लोग आच्छादित करेंगे ये निर्णय नहीं लिया जा सकता अध्यक्ष महोदय, इसलिए अभी ऐसा इन वर्गों को कैसे हम लोग ये करें इसका अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। आप तो पहले पूरा पूछ लिए थे। नहीं पूछे नहीं तो आपका ड्यू नहीं है। महोदय अध्यक्ष महोदय हमारा इतना ही आग्रह है कि सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अपनी बहुप्रचारित योजना डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी की योजना घोषित की थी महोदय, और उसमें सरकार ने एक खास संख्या का बीपीएल धारी का निर्धारण किया था। महोदय यह राज्य वेलफेयर स्टेट भी है, हम लोग बार बार कहते हैं नीतियों का निर्धारण करते समय इस संख्या बल का ये जो सूची है इसकी बहुत डिमांड होती है, और इसलिए मेरा सीधे सीधे महोदय आग्रह है आपके माध्यम से कि सरकार यह सर्वे कराए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कोई विचार नहीं है, तो विचार नहीं है तो जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हैं महोदय उसके बारे में नीतियों का निर्धारण कहां से हो पाएगा, यह हमारा प्रश्न महोदय, इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि सरकार एक बार पुनः विचार करे ताकि सर्वे करा करके जो जरूरतमंद है उन लोगों तक लाभ कैसे पहुंचे, उसका जीवन अंत्योदय के माध्यम से उसका कैसे विकास हो, इसके बारे में विचार करें महोदय। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय अच्छा है कि ओझा जी बहुत 20 सालों के बाद इन वर्गों की चिंता हुई है इनको, आप आश्वस्त रहें सरकार की नजर राज्य के अंतिम व्यक्ति जहां खड़ा है वहां तक जा रही है अध्यक्ष महोदय, और समय उपरांत ये भी आपको बताया जाएगा और राज्य को बताया जाएगा अध्यक्ष महोदय कि सभी लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है सभी वर्गों के लिए अध्यक्ष महोदय, इसलिए फिलहाल अभी मैं यही कह सकता हूं कि अभी इसका प्रस्ताव सरकार ने तैयार नहीं किया है, लेकिन हम पूरे राज्य के सभी वर्गों के बारे में चिंता करते हैं अध्यक्ष महोदय, और जैसे जैसे चीजें आएंगी सदन को अवगत कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य दीपिका पांडे सिंह जी, अपराध करने और आकस्मिक मृत्यु दर में वृद्धि की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के में नशा करने के पश्चात अक्सर लोगों का खुद पर से संयम नहीं रहता और वो गलत कामों में को अंजाम देते हैं। महिला के खिलाफ यौन मामलों हमलों की घटना में कमी लाने और आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को रोकने हेतु राज्य में पूर्ण शराबबंदी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका दीपिका पांडे जी का पांडे सिंह जी का प्रश्न शराब बंदी को लेकर है, और फिलहाल
शराबबंदी को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करके, और बीच बीच में ये बात आती है कि सरकार इस प्रक्रिया में शामिल होगी, इन बातों पर विचार करके महिलाओं के हित में, न सिर्फ उनके खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले हैं बल्कि उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए भी और राज्य हित में इस तरह के निर्णय लिए जाएं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, उत्पीड़न का कारण सिर्फ शराब ही नहीं होता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी भी चिंता है कि महिला सुरक्षा कैसे हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, और इसको लेकर के आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर फूलो जालो योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय, और आज इसको लेकर के हम लोग लगभग 25,000 महिलाओं को हड़िया दारू से हटा करके दूसरे रोजगारों में जोड़ा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी संवेदनाएं हैं अध्यक्ष महोदय, और इनके भावनाओं से भी हम अवगत है अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता है। हो गया, इसमें एक चीज, माननीय सदस्य अपर्णा सेनगुप्ता, इसमें दो मान एक इसमें माननीय दो सदस्यों का आया है इसी तरह का। अच्छा, कर आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। धनबाद जामताड़ा जिला के सीमा पर बारहबिंदिया पुल का अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराने तथा दिनांक 24/2/2022 को नाव दुर्घटना में 21 मृत लोगों के आश्रितों के परिवारों को 10 लाख रुपया मुआवजा तथा मुआवजा भुगतान एवं परिवार के अन्य सदस्य को नौकरी देने की मांग करती हूं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि बारहबिंदिया पुल का निर्माण कार्य शुरू कराएं तथा नाव दुर्घटना में मृत लोगों के आश्रितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी एवं मुआवजा भुगतान कराया जाए। महोदय, माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपका और उनका दोनों का सवाल समान है, आप भी इसका चिंता माननीय सरकार को भी है, सारे सदन को भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतिगत मामला है, नीतिगत मामला में ऐसा नहीं होता है। ठीक ठीक, बट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ले लीजिए सर, सर जैसा कि मालूम है सर कि पुल सड़क में सर नीतिगत है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, ये नीतिगत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, आकस्मिक घटना है, क्या बात कर रहे हैं सर, आकस्मिक घटना है, जिन नीतिगत मामला हो गया, हो गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य के डायनेमिक मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा महोदय कि 24 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटी जिससे पूरे राज्य हो गया ना, आ गया, जवाब सुन लीजिए, आ गया बात, माननीय मुख्यमंत्री आ गया बात, वही दोनों का एक ही है, दोनों का एक ही है, दोनों का मिलता जुलता है। अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न नीतिगत प्रश्नों में नहीं आता, आकस्मिक, ये योजना विशेष प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय विधायक दोनों हमारे अपना सेन जी और इरफान अंसारी जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आकर के इस संदर्भ में बताया है, एक मार्मिक घटना वहां घटी है अध्यक्ष महोदय, नाव पलटने से, और हमारी चिंताएं हैं, और फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूं अध्यक्ष महोदय, इस पुल का फिजिबिलिटी आकलन कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय, फिर इसका अध्यक्ष महोदय हम लोग जल्द DPR बना लेंगे अध्यक्ष महोदय, और जल्द उससे हो सकता है अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ा पुल भी बन सकता है, हो सकता है उसका बजट भी बढ़ सकता है अध्यक्ष महोदय, और धन की उपलब्धि उपलब्ध करा करके अध्यक्ष महोदय उसको बनवा लिया जाएगा। हो गया, तो बहुत दर्दनाक घटना है महोदय, और उस पुल अगर बन जाता महोदय तो ये इतना बड़ा घटना नहीं घटता महोदय, पुल बनवाने का घोषणा और मुआवजा का घोषणा नौकरी करवा दीजिए महोदय, पुल महोदय आज किसी का मुआवजा और नौकरी मुआवजा पुल बन चुका है, मुख्यमंत्री जी
आप दिलवत है, उत्तर दिलवत है, उत्तर दिलवत है। वो मृतक के परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके दूसरे पार्ट में था, मृतक के परिवारों को मुआवजा। अध्यक्ष महोदय, जो लोग इसमें मारे गए अध्यक्ष महोदय, उसको सरकार आपदा विभाग की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में उपलब्ध करा रही है। नारायण दास जी, माननीय सदस्य नारायण दास जी, माननीय सदस्य नारायण दास जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य निर्माण के पश्चात हो जाएगा। आप अलग से मुख्यमंत्री से एक बार भेंट कर लीजिएगा उनके चैंबर में। बैठिए दीदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज निर्माण के पश्चात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु अभी भी और सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के वर्ग कल्याणार्थ उच्चतर शिक्षा के प्राप्ति हेतु अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं को राज्य सरकार विदेशों में उच्चतर शिक्षा दिलाने हेतु स्कॉलरशिप देकर उन्हें प्रोत्साहित करती है तथा और भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रकार लाभ देना राज्य हित में एक अच्छा संकेत होगा। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं राज्य में आज दिनांक तक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व अन्य दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए हैं, जिनके समुचित उत्थान हेतु उन्हें भी उचित अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे राज्य के सुधार और उत्थान हेतु उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को विदेशों में भी अग्रतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक नीति निर्धारित करते हुए उन्हें भी स्कॉलरशिप का लाभ दिलाई जाए। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्य के अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य में भी मैं उचित भागीदारी सुनिश्चित कराने तथा उनके समुचित उत्थान हेतु विदेशों में अग्रतर उच्च शिक्षा दिलाने हेतु नीति निर्धारित करते हुए सरकार कुछ उचित निर्णय लेना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री, घोषणा में है घोषित अध्यक्ष महोदय नारायण दास जी, ये देर आए दुरुस्त आए। जनजाति पिछड़े वर्गों को भी विदेशों में इनकी भी इच्छा जगी है कि वो लोग भी उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करें। और आपने देखा कि हम लोगों ने 2021-22 21-22 में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को 6 बच्चों को विदेश भेजा। 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 6 बच्चों को विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए भेजा है, जिसका 100% स्कॉलरशिप उसका सरकार उसको फंड कर रही है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दास जी ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शायद ठीक से नहीं सुना, उसमें पहले से ही हम लोगों ने इस बात को संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय, इस योजना को अनुसूचित जनजाति से बढ़ाकर इसका और उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक ये सभी आएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। और इसके लिए हम लोग अगले 22-23 में इसका दायरा बढ़ाते हुए अधिक से अधिक बच्चों को भेजने का सरकार का ये संकल्प है। चलिए के माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं, और संख्या बढ़ाई जाए, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए और 6 बच्चों को इसलिए ये आगे बढ़ाया जाए, आपके निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य धन्यवाद। प्रदीप जागर जी, अध्यक्ष महोदय,
मैंने मुख्यमंत्री जी के कई बयानों को सुना है। मुख्यमंत्री जी लगभग हमें लगता है कि सहमत है इस प्रश्न के उत्तर से कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्णय लेकर के लोगों के पेंशन की कर्मचारियों के पेंशन समाप्त किए हैं। अभी राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पुनः प्रारंभ की है। मैं उसी संदर्भ में इस सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया हूं, क्या यह सरकार भी पुरानी पेंशन योजना इस राज्य में भी कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू करने का विचार रखती है? ये मेरे नीतिगत प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का सवाल हमारे पास ठीक अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इन्होंने उदाहरण दिया है। हालांकि उन्होंने अभी ये इस बार उनका भी ये योजना लागू नहीं है, उन्होंने लागू करने का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में झारखंड में जो पेंशन की योजना है अध्यक्ष महोदय, जो नई पेंशन योजना है यही लागू है अध्यक्ष महोदय। फिलहाल अध्यक्ष महोदय, पुरानी पेंशन लागू करने का कोई फिलहाल प्रस्ताव तैयार नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई अभी विचार भी नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, इसलिए अभी विचाराधीन है अध्यक्ष महोदय। ये विषय जब आएगी अध्यक्ष महोदय, उस पर विचार करेंगे। हमने इतना ही कहा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अभी सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी के कई वक्तव्यों को देखा था कि भाई सरकार इस पर विचार कर रही थी, इसीलिए हमने कहा कि नीतिगत क्या सरकार आगे भी इस पर कुछ विचार कर रही है क्या, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी लागू नहीं की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां सकारात्मक रूप कहा है। क्या इस पर सरकार का कोई सकारात्मक रूप है क्या, कोई संकेत है क्या? बस इतना ही, ताकि लोग आशान्वित हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का माननीय विधायक जी ने उदाहरण दिया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है अध्यक्ष महोदय, और हमने भी ये आश्वस्त किया है अध्यक्ष महोदय, उन कर्मचारियों से बात भी किया है हम लोगों ने। और अध्यक्ष महोदय, इसका आकलन किया जाएगा, उसके पश्चात इस पर विचार किया जाएगा। अब कार्य स्थगन, डॉक्टर लंबोदर महतो स्वाभिषण ने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि राज्य सरकार की स्थानीय नीति और नियोजन नीति झारखंड हित में स्पष्ट परिभाषित नहीं रहने के कारण आज खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति की घोषित करने की मांग की जा रही है। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के विषय पर चर्चा कराई जाए। श्री अनंत कुमार ओझा स्वाभिषण ने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि राज्य में हो रहे बहुसंख्यक व जनजातीय समुदाय के लोगों पर किए जा रहे मॉब लंचिंग की घटना में रूपेश पांडे और संजू प्रधान की हत्या की सीबीआई जांच कराने तथा राज्य की विधि व्यवस्था पर चर्चा कराई जाए। श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता स्वाभिषण ने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि धनबाद जामताड़ा जिला के सीमा पर दिनांक 24/2/2022 को निरसा के बारबेनिया में जामताड़ा जिला के बीर गांव श्यामपुर घाट बाजार से खरीदारी मेहनत मजदूरी कर ग्रामीण अपने गांव लौट रहे थे। तेज आंधी बारिश से नाव पर सवार 25 लोग नाव पलटने से बराबराकर नदी में डूब गए, 4 तैरकर बचे और शेष लोग मृत लापता हैं। धनबाद जिला के प्रखंड निरसा अंतर्गत बारबेनिया पुल का निर्माण 2008-09 से शुरू कराया गया था, अर्ध निर्मित पुल की संरचना ध्वस्त होकर नदी में गिर गया। अविलंब पुल निर्माण करने के विषय पर सदन के सभी कार्यों को रोक कर चर्चा कराने की मांग की। श्री अमित कुमार यादव स्वाभिषण ने स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से घोषित नहीं होने के कारण नियुक्तियों में राज्य के बाहर के व्यक्तियों को नौकरी मिल रही है, स्थानीय और मूलवासी इससे वंचित हो रहे हैं। 1932 के को आधार मानकर
स्थानीय नीति घोषित करने के विषय पर चर्चा कराने की मांग की है। श्री मनीष कुमार जायसवाल सौबीसा ने अपने कार्य स्थगन के माध्यम से यह बताया है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही थाना क्षेत्र के लखना दुलमहा स्थित नई टाँड में सरस्वती पूजा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान 40-50 लोगों ने मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देते हुए 18 वर्षीय रुपेश पांडे की निर्मम हत्या कर दी। सरकार पीड़ित परिवारों के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा की राशि दे जघन्य अपराध के विषय पर चर्चा कराने की मांग की है। श्री अमित कुमार मंडल सदस्य ने अपने कार्य स्थगन के माध्यम से यह बताया है कि जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सरकारी नौकरियों से कुड़माली को गोड्डा समेत संथाल परगना प्रमंडल में हटा दिया गया है। कुर्मी जाति के हित में जिला स्तरीय नौकरियों में गोड्डा एवं संथाल परगना प्रमंडल में कुड़माली भाषा को लागू करने के विषय पर चर्चा कराई जाए। चलते बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के क्रम में सभी कार्य स्थगन की सूचनाओं पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इस सभी सूचनाओं को अमान्य किया गया। बंधु तिर्की, शून्यकाल की सभी सूचना पढ़ा हुआ मान लिया गया, इसलिए कि सदन बहुत ढंग से चल रहा है, इतना बढ़िया अवसर हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए कुछ ध्यान आकर्षण का सूचना ले लेते हैं। चलिए, माननीय बंधु तिर्की अध्यक्ष महोदय, इस सभी आप लोगों के सहमत से अध्यक्ष महोदय, मामला झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामला है। 2018 में अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया था, जिसमें 139.17 एकड़ जमीन ये रैयतों की जमीन थी और इसको पूरा गणना किया गया अध्यक्ष महोदय मुआवजा को लेकर के, जिसमें अनुमानित राशि 600 करोड़ 20 लाख 70 हजार 621 रुपया, इसका राशि का अनुमानित राशि का गणना किया गया। अध्यक्ष महोदय, अब तक एक भी राशि रैयतों को मुआवजा के नाम पर नहीं मिली है। मेरा आपसे आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, इसमें तकरीबन 200 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और 70 परिवार इस पर विस्थापित भी हो रहे हैं। इसको अब तक मुआवजा नहीं मिला है, कब तक सरकार इसको मुआवजा उपलब्ध कराएगी? क्योंकि ये आपका 2018 का मामला, अब तक एक भी नहीं मिला। और सबसे चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय कि निर्माण कार्य जारी है, तो जिस दिन निर्माण कार्य हो जाएगा उसके बाद तो आप लाठी डंडा लेकर के भगा दीजिएगा उसको, कहां फिर मुआवजा के लिए बात भी कीजिएगा? ऐसे भी 20 लाख 25 लाख झारखंड में विस्थापित लोग आज आप जान रहे हैं, विस्थापित का आपका विस्थापित दंड झेल रहे हैं आपका इसका। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कब तक उन जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया है रैयतों को कब तक मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जवाब उपलब्ध है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पत्रांक 972 दिनांक 27/8/2018 द्वारा झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना निर्माण परियोजना अंतर्गत मौजा चेरी मानातु सुकुरहुतु कुल रकबा 304.17 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हेतु अधियाचना जिला भुवरिया दीदी रकबा 139 या 300 139 39 ठीक पॉइंट एक एकड़
भूमि का अधिग्रहण हेतु यदि योजना जिला भू अर्जन कार्यालय रांची को प्राप्त हुआ। प्राप्त अधियोजना के आलोक में ग्राम सभा करते हुए दिनांक 21/2/2019 को प्रारंभिक अधिसूचना अंतर्गत धारा 11 के प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में किया गया। तदुपरांत संभावित प्रकलन राशि कुल 604,20,70,621 रुपये की मांग कार्यालय के पत्रांक 1279 दिनांक 19/7/2019 आसमान पत्र 263 दिनांक 12/2/2020 एवं पत्रांक 631 दिनांक 20/3/2021 द्वारा मांग की गई, परंतु अधियाचित विभाग द्वारा 7% राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण योजना व्यागत हो गई। सरकार के प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड रांची के 565 दिनांक 26/5/2011 के द्वारा राशि 10 करोड़ रुपया मत एवं निदेशक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापन 355 दिनांक 10/12/2021 के द्वारा राशि 35 करोड़ रुपया मात्र उपलब्ध कराया गया। कार्यालय को मात्र कुल राशि 45 करोड़ रुपये मात्र प्राप्त है, जबकि उक्त परियोजना अंतर्गत लागत अनुमानित राशि का गणना 604,20,70,621 रुपया मात्र है। उपयुक्त राशि के पत्रांक 1114 दिनांक 3/7/2021 के द्वारा पुनः अधियोजना उचित माध्यम के द्वारा उपलब्ध कराने हेतु अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड रांची को प्रेषित की गई। विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1629 दिनांक 30/11/2021 के द्वारा झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय परियोजना अंतर्गत मौजा मनातु चेड़ी कुल रकबा 15.82 एकड़ भूमि की अधियोजना जिला भू अर्जन कार्यालय रांची को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अधियोजना में पाई गई त्रुटि का निराकरण हेतु कार्यालय 1938 दिनांक 7/12/2021 द्वारा अधियाचित विभाग को पत्र प्रेषित की गई। अधियाचित विभाग पत्रांक 1787 दिनांक 20/12/2021 द्वारा त्रुटि निराकरण के उपरांत अर्जित की जा रही भूमि से संबंधित नक्शा प्राप्त हुआ है। कार्यालय पत्रांक 2091 दिनांक 30/12/2021 के द्वारा दिनांक 11/1/2022 को ग्राम सभा निर्धारित की गई थी, परंतु कोविड 19 महामारी के कारण कोई भी व्यक्ति रात ग्राम सभा में उपस्थित नहीं हुए। पुनः कार्यालय पत्रांक 2321 दिनांक 11/2/2022 द्वारा दिनांक 21/2/2022 को ग्राम सभा संपन्न किया गया। तदुपरांत भूमि अधिग्रहण की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य ने कहा कि कब तक मुआवजा मिलेगा। जैसा ही ग्राम सभा के द्वारा ये संपन्न हुआ है, अभी इसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही इनका मुआवजा दिया जाएगा। हो गया बंधु जी। अध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर। अध्यक्ष महोदय, पर जब ग्राम सभा में मैं उपस्थित था, जब आप इतना इतिहास भूगोल तो पढ़ लिए यहाँ पर, तदुपरांत भूमि अधिग्रहण की अग्रतर कार्रवाई की जा रही, क्या कार्रवाई की जा रही है, मुआवजा कब तक मिलेगा, और मुआवजा जब तक ना मिले निर्माण कार्य को बंद कराया जाए वहां पर, और निर्माण कार्य हो जाएगा अध्यक्ष महोदय बाउंड्री लगा दीजिएगा, कल अप्रयतों को घुसने नहीं दीजिएगा वहां पर,
फिर आप केस फौजदारी करते रहिएगा, ग्रामीण केस लड़ेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, ये कब तक महोदय और क्या तदुपरांत करवाई कर रहे हैं? ये घोलमोल जवाब है, तदुपरांत करवाई का मतलब क्या होता है? माननीय मंत्री जी, उनका सब कहना है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पहले भुगतान हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगी, निश्चित रूप से यदि उस वहाँ पर कर्ज हो रहा है तो उसको दिखा लिया जाएगा और काम तत्काल, जब तक हम लोग मुआवजा नहीं करें तब तक उसको काम करवा देंगे। हो गया, चल आप धन्यवाद देने में कंजूसी किए। हाँ तो बोल रहे हैं हम तो, आप हो गया बोल रहे हैं, हो जाएगा तो हम धन्यवाद देने के लिए गुलदस्ता लेकर के आपके पास जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, लेकिन निर्माण विभागीय मंत्री को छोड़ देंगे, निर्माण कार्य ना हो विभागीय मंत्री को छोड़ देंगे। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी, आप पूछो नहीं छोड़ते हैं, जितना अधिकार है उतना तो उपयोग करना ही चाहिए ना अध्यक्ष महोदय। चलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 7 गोड्डा जिले के शिक्षकों से है, जो 2018 की जेपीएससी जेएसएससी विज्ञापन संख्या 21/2016 संगीत के शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनसे संबंधित है। उन्होंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत प्रभाकर और संगीत विरासत की योग्यता को प्राप्त करते हुए सफल हुए थे और अब तक उनकी नियुक्ति विभाग ने रोक के रखी है। एक बार विभाग ने उनसे निर्देश दिया कि उनकी नियुक्ति की जाए, फिर दूसरे बार उनके विभाग ने नियुक्ति रोक दी, फिर विधानसभा में पिछले एक साल पहले भी यह प्रश्न आया, विधानसभा की समिति ने भी अनुशंसा की, एजी की रिपोर्ट, एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट मांगी गई, उन्होंने सकारात्मक रूप लिखा कि नहीं की जा सकती है, लेकिन अब तक उसके हुई नहीं अध्यक्ष महोदय। और हमें लगता है कि सरकार को सकारात्मक सोच रखते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो अर्हता है, जो पात्रता है और जो क्वालिफिकेशन है उनका, कि भाई उन्होंने दो जो हमने संगीत की, संगीत प्रभाकर और संगीत विरासत की बात कही, जो उनकी योग्यता की बात कही है, इसी योग्यताधारी अब भी बहाल है मेरे इसी राज्य में और 2015 में उसकी बहाली हुई है। और उसके अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने आरटीआई के तहत उसकी सूचना दी है अध्यक्ष महोदय, और मैं केवल उसको पढ़ देता हूं ताकि सरकार को थोड़ी संज्ञान में आ सके। और वो है अध्यक्ष महोदय, मैं उस सूचना को केवल रख रहा हूं आपकी पठन पर, जिला शिक्षा प्रेषक में जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, सेवा में केसरी कुमारी मिश्रा अधिवक्ता ने आरटीआई के तहत इसे मांगा था। उनको लिखा है कि विषय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के समय में 24/12/2019 को यह सूचना उपलब्ध कराई गई अध्यक्ष महोदय, और हमने यह जानने का प्रयास किया था, एडवोकेट केसरी ने जानने का यह प्रयास किया था, क्या आपके जिला के अंतर्गत आभा सिन्हा महापात्रा पति श्री मानस कुमार प्राणी मोहल्ला कॉलेज रोड गोपालपुर घाटशिला थाना घाटशिला नियुक्त झारखंड अद्वित परिषद रांची के अनुशंसा के आधार पर संगीत शिक्षक के पद पर सन 2015 में हुई है? यदि हाँ तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्पष्ट कहा है यहाँ इनकी नियुक्ति झारखंड अद्वित परिषद 2015 में विषय शिक्षिका पद पर संगीत शिक्षिका पद पर हुई है, और उनकी योग्यता कहा है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले संस्थान का नाम प्रयाग संगीत इलाहाबाद है और उनकी शिक्षा यही उनकी योग्यता अध्यक्ष महोदय। लेकिन उसी जो संस्थान से पास किए हुए 7 इन शिक्षक शिक्षिकाओं को अब तक इन्होंने अधिकार से वंचित रखा है। तो इस प्रश्न के माध्यम से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, अभी अगर उसके डिटेल में जाएंगे तो कई प्रश्न हमारे भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है को भाई इन्हें भी या जो इन्हें मान्यता दी जाए, जो हारताए हैं सारे डिसीजन है उसके पक्ष में, लेकिन फिर भी सरकार के रोक के रखी है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी स्कूली शिक्षा के जो माननीय मंत्री है महतो साहब,
जगन्नाथ महतो जी, उनसे जाकर के भी मिला था और पूरी चीजों को उनके सचिव उनके सामने भी रखा था। तो मैं चाहूंगा कि इसके समाधान हो और उनकी नियुक्ति को वैधता दिया जाए, जो दो सालों से वह बिल्कुल मानसिक रूप से आर्थिक रूप से तंगी के माहौल में इन आर्ताओं की पूर्ति करते हुए उसकी बहाली की जाए, यही मेरा सवाल। माननीय मंत्री जी, सवाल बहुत लंबा है जी, उत्तर छोटा होने से अच्छा होगा, समय बचेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का बहुत लंबा सवाल है और ये पुरानी मामला है, हम इनसे डिस्कस कर चुके हैं और ये अध्यक्ष महोदय पुरानी मामला है, ये संगीत शिक्षक की मामला है, कुछ जिलों में बहाली हो चुका है और उसी केंद्र से जहां वो लोग जो परीक्षा प्राप्त किए हैं और फिर साथ से रोक दिया गया, मुख्य बात यही है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये विभाग भी जो बहाल हुआ है उस पर भी कार्रवाई करने के लिए एक पत्र दिया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसको यथावत रखने के लिए कहा गया है, वो जो बहाल हो चुका है और उसका निर्णय नहीं आया है, हम लोग निर्णय के इंतजार में है और जो पूर्व में बहाल हुआ है वो लोग कोर्ट गए, उसका फाइनल निर्णय नहीं आया है, जैसे निर्णय आ जाएगा माननीय हम प्रदीप जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे निर्णय आ जाएगा उसे नियमानुसार निर्णय लेके बहाल कर दिया जाएगा। विषय यह नहीं है, अगर उसकी बहाली हुई भी है तो वो कोर्ट के निर्णय के अनुरूप हुआ है। जिस महापात्रा मैडम की मैं बात कर रहा था कि संगीत शिक्षिका के रूप में है, एकेडमिक काउंसिल ने पहले उनके प्रवेश पत्र जो परीक्षा के प्रवेश पत्र उसको रोका था, वो उसके लिए पहले कोर्ट गई और यही रांची हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और अद्वित पर्षद को कहा कि उनकी मान्यता है, आप उसके प्रवेश पत्र को नहीं रोक सकते, उनके कहने पर उनके प्रवेश पत्र दिए गए, इनकी कॉपी है मेरे पास। और इसके बाद उसके हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उनका सिलेक्शन हुआ तब वो बहाल है, और हमने तो सरकार के मदद के लिए इस विषय को लाया है कि भाई जब वो बहाल है हाई कोर्ट के निर्णय प्रवेश पत्र के बाद और जब उनकी बहाली हो गई तो हमने कहा कि इसके ठोस प्रमाण होने चाहिए, इसलिए हम आरटीआई के तहत उनके भी प्रमाण पत्र निकाले कि भाई आज आपके यहाँ शिक्षक है और जो योग्यता ये रखने वाली सात शिक्षक शिक्षिकाएं लोग है जो रखते हैं वही योग्यता उनकी है। तो फिर हाई कोर्ट में ये लोग तो नहीं गए सात लोग, आप हाई कोर्ट जाने के लिए किसी को मजबूर क्यों करते हैं, भाई हाई कोर्ट क्यों जाए, भाई सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा लोकतंत्र का यह कोर्ट है जहां फैसला होना है, पहले तो सरकार को ही विचार करनी चाहिए ताकि इस कोर्ट में भी फैसला ना आए, लेकिन सरकार ने फैसला नहीं किया, इस कारण हमको यहां लाना पड़ा। अब यहां से सरकार से मेरी विनती होगी इसे कोर्ट का रास्ता ना दिखाए और कोर्ट का कोई आशा मत दिखाए, कोई कोर्ट गया होगा उसके निर्णय से इसको कोई लेना देना नहीं है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय नकारात्मक रूप करें और इनको यह बताए आपकी बहालिया निगेटिव अप्रोच ना ले। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कानून का भी जानकार आदमी है, इसमें बोलने की बात नहीं है, कानून के मान के ही चलना होगा, आखिर कोई कोर्ट गया कोर्ट में लंबित है, हम इनको टहला नहीं रहे, जैसे कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तुरंत इस पर सरकार विचार कर लेगा, तुरंत देर नहीं करेगा। कोर्टों की जानकारी रखते हैं कि भाई कोर्ट के निर्णय जो कोर्ट गए ये सातों इस बार की परीक्षा में शामिल लोग कोई कोर्ट नहीं गया, कोई कोर्ट गया होगा कोई उससे हमको क्या लेना देना, हम तो कोर्ट नहीं गए, हम जो प्रार्थी लोग हैं जो सात लोग हैं हमने कोर्ट के दरवाजे को नहीं खटखटाया, हमने सरकार के दरवाजे को ही खटखटाया है, माननीय मंत्री के दरवाजे को खटखटाया है, इनके विभाग के दरवाजे को खटखटाया है, इन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया तो फिर सदन के दरवाजे को खटखटाया है, तो भाई सदन इससे बड़ा कोर्ट कौन हो सकता है, और आपको बरगला रहे आपके अधिकारी और मेरे पास सारे प्रमाण है कि आपके निदेशक ने पहले जो उन्होंने गाइडलाइन मांगा शिक्षा जिला शिक्षा अधीक्षक ने,
आपके निदेशक ने उन्हें कहा कि इनकी बहाली की जाए और वो निदेशक दिलीप कुमार झा उस समय तत्कालीन निदेशक थे जो सबसे कानून की अधिकारी में से माने जाते हैं जिन जो अब रिटायर करके अध्यक्ष महोदय जिसकी चर्चा कई बार इस सदन में हुई है उन्होंने उनके उनके पत्र है मेरे पास। इसके बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षक ने नहीं माना फिर लिख दिया कि स्पष्ट नहीं है जबकि स्पष्ट है वो पत्र। इसके बाद यहाँ भेज दिया फिर इनके पास हमने इसीलिए फिर अगले विधानसभा में इसी सत्र में लाया था सरकार की एक समिति बनी थी अध्यक्ष महोदय समिति ने भी अनुशंसा की। आप अपना दस्तावेज भेज दे मंत्री जी अध्ययन करवा लेंगे। नहीं मंत्री जी पूरे अध्ययन किए हुए हैं। आप दस्तावेज भेजवा दीजिए हमें ठोस आसन को भेजवा दीजिए मंत्री जी अध्ययन करके उस पर। नहीं अध्यक्ष महोदय मैं देखिए फिर तो ये जो सदन है जो इसकी विश्वसनीयता है इसकी गंभीरता है अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुने आप इस सदन की एक गंभीरता है। मैं समझ रहा हूँ मेरी बात तो आप सुने अब इतने बड़े प्रश्न को एक बार विधानसभा की समिति अनुशंसा कर दे एजी का रिपोर्ट आ जाए हाई कोर्ट के निर्णय आ जाए और हम जैसे लोग दोबारा इस सदन में लेके आए और इसके बाद भी डिसीजन ना हो तब तो सारी चीजें टहलाने के लिए हो जाएगा अध्यक्ष महोदय ये कमजोर पड़ेगी संस्था। लोकतंत्र के इस मंदिर को अगर मजबूती देना है लोकतंत्र की व्यवस्था को अगर अस्थायित्व देना है अध्यक्ष महोदय इस सदन में इस प्रश्न का केवल एक नमूने के तौर पर हल होना चाहिए। ये नमूना है अगर आप इसके समाधान ना निकालते हैं तो बाहर गलत संदेश जाएगा आपकी जाओ बेटा कहा। माननीय सदस्य इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ माननीय सदस्य थोड़ा इंतजार करिए थोड़ा सा आप कागज भिजवा दीजिए माननीय मंत्री हमारे पास भिजवा दीजिए हम उनको देखते हैं और उस पर निर्णय सारा कागज आपके माध्यम से मैं भिजवा देता हूँ। लेकिन मैं सकारात्मक सरकार का रूप देखते हुए सरकार सकारात्मक रूप लेकर के इस पर निर्णय करे ये मेरा अंतिम रिक्वेस्ट होगा आपसे। आप कागज भिजवा दीजिए प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 25 फरवरी 2022 को संपन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। प्रश्न यह है कि दिनांक 25 फरवरी 2022 को संपन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं सोमवार दिनांक 25 फरवरी 2022 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हेतु 4 घंटे का समय निर्धारित किया जाए। शुक्रवार दिनांक 4 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 22-23 के आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हेतु 4 घंटे का समय निर्धारित किया जाए। शेष कार्य यथावत रहेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समिति के सिफारिश पर सभा की सहमति हुई। मंत्री प्रभारी वित्त विभाग महोदय मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 2698.14 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 28 फरवरी 2022 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। माननीय सदस्यगण सभा की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न तक के लिए आपको धन्यवाद देते हुए स्थगित की जाती है।